गूगल न्यूज पर अपने ब्लॉग को कैसे सबमिट करते हैं और वहां से अप्रूवल कैसे लेते हैं और वहां पे आपके आर्टिकल्स कैसे दिखते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूं। आज का वीडियो जो मैं बना रही हूं उसके लिए एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट आया था। उनको ये जानना था कि जैसे हम अपने आर्टिकल्स को गूगल न्यूज के ऊपर शो करते हैं, क्या वैसे ही हम अपने यूट्यूब वीडियोज को उसके ऊपर शो कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला था यस कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि एक वीडियो बना के बता दो कि वो कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम अपने वीडियोज को भी गूगल न्यूज के ऊपर लगा सकते हैं जैसे हम अपने आर्टिकल्स को लगाते हैं। तो उसी के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपने जो डायरेक्ट आपका चैनल का लिंक होता है, या तो आप अपने चैनल का लिंक डाल सकते हैं, या फिर आप वन बाय वन करके जो आपके यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट होते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे मैंने 10 प्लेलिस्ट क्रिएट किए हुए हैं। आपने जितने भी प्लेलिस्ट क्रिएट किया होगा, या फिर इन सभी प्लेलिस्ट में से आप कुछ प्लेलिस्ट को अपने गूगल न्यूज पब्लिशर के ऊपर इसको लगा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे किसी भी, अगर आपको जैसे मान लिया मुझे इस वाले को लगाना है, इस वाले प्लेलिस्ट को, तो मुझे यहाँ पे प्ले ऑल पे सबसे पहले क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो URL आ रहा है, हमें इस URL को यहाँ से कॉपी करना है और चले जाना है अपने गूगल पब्लिशर सेंटर में। और पब्लिशर सेंटर में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। और एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेंट सेटिंग में जाना है। और कॉन्टेंट सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी अभी ये लगाया था बैकलिंक क्रिएशन और सर्च कंसोल एरर के 2 प्लेलिस्ट को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। सेम ऐसे ही आपको भी करना है। यहाँ पे आपको न्यू सेक्शन दिख रहा है, इस न्यू सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे आर्टिकल्स के लिए आप यहाँ पे फीड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वीडियोस के लिए आपको यहाँ पे वीडियोस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कुछ भी डाल देना है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएशन एक साथ लिख दिया, और जो हमने URL अभी कॉपी किया था उसी URL को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू एक्सेस में एनीवन ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला हमने ऐड किया है, ये ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो सीधा का सीधा जो आपके यहाँ पे जो आपका चैनल होता है, जो आपका चैनल का डायरेक्ट URL होता है, आप अपने चैनल के URL को भी वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप अगर अपने चैनल का URL डालते हैं तो आपका जितना भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा वहाँ पर शो होने लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लेलिस्ट वाइज वहाँ पे दिखे, तो आप प्लेलिस्ट वाइज वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो चैनल URL होता है, तो आप यहाँ से अपने चैनल के URL को कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद सेम ऐसे ही जैसे हमने इसको यहाँ पे डाला है, वैसे ही आपको यहाँ पे न्यू सेक्शन ऐड करना है। और न्यू सेक्शन ऐड के बाद आपको यहाँ पे वीडियो पे जाना है और सीधा यहाँ पे आपको URL पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे आपको जो भी आप लिखना चाहें वो आपको यहाँ पे लिख देना है और फिर ऐड पे क्लिक कर देना है। और ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सेव बटन जरूर प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव बटन प्रेस करेंगे ये सेटिंग सेव हो जाएगी। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप रिव्यू एंड पब्लिश में जाते हैं तो आपको यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे आपको ये एम्प्टी सेक्शंस दिखाएगा, कुछ आपको एम्प्टी सेक्शन ही शो करेगा। और जब आप इसको रिव्यू पे भी क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ये वाला तो हमारा ऑलरेडी डल के था पहले से, तो ये हमें शो करता है। देखिए लास्ट अपडेटेड यहाँ पे 18 अक्टूबर का शो करेगा, लेकिन उसके बाद जो हमने ये 4 अभी ऐड किए हैं ना, ये आपको ऐसे ही शो करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सेव करने के बाद हमें कम से कम इसको 15 से 20 30 मिनट के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसको जब 30 मिनट्स हो जाएंगे तो आपको इसको रिफ्रेश करना है, तब जाके यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बैकलिंक क्रिएशन लगा रखा है, अभी तक यहाँ पे कॉन्टेंट नहीं आया है। यहाँ पे सर्च कंसोल एरर का भी अभी तक कॉन्टेंट नहीं आया है, बाकी हमने यहाँ पे बैकलिंक डाला है और इसके आगे आपके सामने मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला था, तो सभी के सभी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। और किसी में भी, अब एक मैं इसको रीलोड करके भी दिखाऊंगी, अगर तो भी यहाँ पर जो कंटेंट है वो नहीं आया है यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे ही 30 मिनट्स होंगे हम फिर से इसको चेक करेंगे एक बार कि ये रिफ्रेश हुआ है, यहाँ पे सारी चीजें शो होने लगी है या नहीं। तो फ्रेंड्स 30 मिनट्स वेट किया मैंने, 30 मिनट्स वेट करने के बाद मैंने एक्चुअली 24 आवर्स वेट कर लिया है, पर अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि रीजन ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिशर सेंटर इज अंडर मेंटेनेंस एंड रिव्यूज ऑफ न्यू पब्लिकेशन विल बी डिलेड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस व्हाइल वी इम्प्रूव आवर पार्टनर ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस। तो अभी क्या है कि अभी इस पे देख सकते हैं आप, अभी अंडर मेंटेनेंस है, इस वजह से ये अभी चलेगा नहीं। ये अभी जो यहाँ पे 4 एम्प्टी सेक्शंस है ये अभी भी शो कर रहे हैं, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स तो सारे के सारे शो कर रहे हैं, पर जो हमने जो कल ये डाले थे अभी भी ये लोड नहीं हुए हैं प्रॉपर, मतलब इनमें टाइम लगेगा। जो पहले से डल के थे उनका तो प्रॉपर अपडेट हो रहा है, पर जो हमने अभी
जब से ये यहाँ पर मेंटेनेंस चालू हुआ अगर हम तब से डालेंगे तो ये इसमें डिले हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया है, मेन प्रोसेस यही है अपने यूट्यूब वीडियोज़ को गूगल न्यूज़ पब्लिशर में लाने का। बट ये है कि अभी आपको शो नहीं करेगा, जब ये नोटिस यहाँ से हट जाएगा तब आप ट्राई करेंगे। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपका ये जो वीडियोज़ है वो गूगल न्यूज़ पब्लिशर सेंटर में नहीं शो करेगा, वो ज़रूर शो होगा। बस ये है कि जैसे ही ये अभी रिव्यू, ये जो मेंटेनेंस है वो खत्म हो जाएगा इनका, तब वो फटाफट से अपलोड होने चालू हो जाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।